हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित बंसल, लेक्चरर, अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक कार्य शक्ति और ऊर्जा पर ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने कार्य और शक्ति के बारे में समझाया था और कुछ आंकिक प्रश्न भी हल किए थे। आज हम इस यूनिट के अंतिम भाग ऊर्जा यानी एनर्जी पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा की क्या परिभाषा है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। यानी जिस पिंड में कार्य करने की क्षमता अधिक होगी उसमें ऊर्जा भी अधिक होगी। तो एक प्रकार से कार्य करने की क्षमता उस वस्तु या पिंड की ऊर्जा का एक मापक है। दूसरे शब्दों में कहना चाहें, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्षमता अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक है, कार्य करने की क्षमता कम है तो ऊर्जा भी कम है। ऊर्जा के लिए ई को संकेत के तौर पे काम में लेते हैं और इसकी इकाई जूल है। आपको ध्यान होगा कार्य की इकाई भी जूल ही है और ऊर्जा एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के अनेक प्रकार हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा आदि आदि। हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है स्थैतिक या स्थितिज ऊर्जा, इसको समझ लेते हैं। एक पिंड या वस्तु में धरातल के सापेक्ष एक स्थिति विशेष होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थैतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जब एक पिंड या वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कुछ ऊंचाई पर लाया जाता है तो उसमें स्थैतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक m द्रव्यमान के पिंड को धरातल के बिंदु A से B तक h ऊंचाई पर ले जाया गया तो कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य बराबर F इंटू s या mg इंटू h। तो A से B तक ले जाने में पिंड पर जो कार्य किया गया वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया और यही उस पिंड की स्थैतिक ऊर्जा बन गई। तो स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र भी क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mg इंटू h। यानी किसी पिंड की स्थैतिक ऊर्जा उस पिंड के भार और उसकी पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होती है। अब आप बताइए, यदि कोई पिंड धरातल पे पड़ा है तो उसकी स्थैतिक ऊर्जा कितनी होगी? जी, शून्य होगी, क्योंकि ऊंचाई शून्य है तो सूत्र में PE का मान W इंटू जीरो यानी जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे पिंड की ऊंचाई बढ़ेगी उसकी स्थैतिक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। दूसरे प्रकार की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये ऊर्जा पिंड के गतिशील होने के कारण आती है। जैसे मान लीजिए m द्रव्यमान का एक पिंड है और किसी समय उसका वेग v है, तो पिंड में इस वेग के कारण जो गतिज ऊर्जा आएगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जहां v पिंड का रैखिक वेग है और m द्रव्यमान है।
अब ये ऊर्जा कैसे आती है इसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए प्रारंभ में ये पिंड स्थिर था, तो इस पिंड को गति देने के लिए बल लगाया गया। बल ने इस पिंड पर कार्य किया जिससे ये पिंड v वेग से गतिशील हो गया। बल द्वारा किया गया यह कार्य ही गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। अब जैसा कि स्पष्ट है, जिन पिंडों का वेग शून्य होगा उनकी गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। इसे भी जूल में ही मापा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण संबंध की चर्चा कर लें, जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहा जाता है, कि कार्य और ऊर्जा किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं ये देखते हैं। माना एक m द्रव्यमान के पिंड को, जिसका प्रारंभिक वेग u है, बिंदु A से B तक लाने में एक बल F द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे इसका वेग V हो जाता है। तो बताइए, इस बल द्वारा इस पिंड को A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सूत्र ध्यान कीजिए, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी F इंटू S। F का मान m ए है, तो समीकरण होगी m इंटू ए इंटू एस। अब a का मान निकालते हैं। a इस m द्रव्यमान के पिंड में उत्पन्न हुआ त्वरण है, क्योंकि इसका वेग u से बदल के v हो गया, और तय दूरी s है। तो a निकालने के लिए हम गति की तीसरी समीकरण काम में लेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो a का मान कितना आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। a का यही मान कार्य की समीकरण में रख देंगे, यानी m इंटू ए इंटू एस में। तो w की समीकरण बन जाएगी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसे यूं भी लिख सकते हैं, W बराबर हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब चूंकि V अंतिम वेग है, तो हाफ एम यू स्क्वायर अंतिम गति ऊर्जा होगी और हाफ एम यू स्क्वायर प्रारंभिक गति ऊर्जा होगी। तो हमने देखा कि जो कार्य बल द्वारा इस पिंड पे किया गया उसने इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन ला दिया, जिसे डेल्टा के ई द्वारा लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक पिंड पे बाह्य बल कार्य करता है, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी यदि हमें कार्य निकालना है, तो हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल कर भी कार्य की गणना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, न ही आप इसे नष्ट कर सकते हैं, परंतु ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। दूसरे शब्दों में कहना चाहे, एक पिंड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी। एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकती है, परंतु ऊर्जाओं का योग सदैव एक ही मान देगा। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब जैसे किसी एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक पिंड को बिंदु A से h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो ये ऊपर से नीचे गति करता हुआ बिंदु C पर पृथ्वी से टकराता है। तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने में क्या पिंड की ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ, और क्या इसकी कुल ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन देखने को मिला। तो जैसे मान लीजिए बिंदु A की चर्चा करें, यहाँ पर
गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे इसका वेग जीरो है। और इसी बिंदु पर स्थैतिक ऊर्जा कितनी होगी? एम इंटू जी इंटू एच। तो कुल ऊर्जा का मान कितना हो गया? जीरो प्लस एम जी एच, यानी एम जी एच। इसी प्रकार जब पिंड बिंदु सी पर पृथ्वी से टकराएगा तो ऊंचाई जीरो होने के कारण यहाँ इसकी स्थैतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी और गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ एम वी सी स्क्वायर, जहाँ वी सी बिंदु सी पर पिंड का वेग है। और ये हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि हाफ एम वी सी स्क्वायर का मान एम जी एच ही आएगा गति की समीकरणों की सहायता से। तो अगर बिंदु सी पर भी कुल ऊर्जा का मान निकालें तो ये पुनः एम जी एच आएगा। इसी प्रकार बीच के किसी बिंदु बी पर यदि ऊर्जाओं के मान निकाले जाएं और उन्हें जोड़ा जाए तो हम देखते हैं कि बिंदु बी पर भी पिंड की कुल ऊर्जा का मान एम जी एच है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि पिंड ने अपनी यात्रा के दौरान अपनी स्थिति लगातार बदली है, परंतु किसी भी बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा का मान सदैव समान रहता है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ भी लागू होता है। चलिए अब हम कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में हमें 20 किलोग्राम का एक पिंड दे रखा है जिसे बिंदु ए से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। हमें बिंदु ए पर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं निकालनी हैं और बिंदु बी यानी एक सेकंड बाद पिंड की दोनों ऊर्जाओं के मान फिर से निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें द्रव्यमान m 20 किलोग्राम दे रखा है और प्रक्षेपण का वेग यानी बिंदु A पर वेग 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो सबसे पहले हम प्रक्षेपण के बिंदु A पर ऊर्जाएं निकाल लेते हैं। इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी का मान यहाँ पर यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार इस बिंदु पे गतिज ऊर्जा का मान आ रहा है 9,660.4 जूल। इसी बिंदु पर यदि स्थैतिक ऊर्जा निकालें तो वो शून्य आएगी, क्योंकि इस बिंदु पर इस द्रव्यमान की ऊंचाई शून्य है। तो इस बिंदु पर कुल ऊर्जा कितनी आ गई? 960.4 जूल। अब एक सेकंड बाद माना पिंड बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो उस समय इसकी ऊर्जाएं क्या क्या होंगी ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं बिंदु बी पर, हाफ एम वी बी स्क्वायर, जहाँ वी बी बिंदु बी पर पिंड का वेग है। लेकिन वी बी का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो हम गति की प्रथम समीकरण से एक सेकंड बाद बिंदु बी पर वेग वी बी निकाल लेते हैं। हम देखते हैं मान शून्य आ रहा है, तो जैसे ही वेग शून्य हुआ इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान भी शून्य हो जाएगा। तो ये पहले प्रकार की ऊर्जा आ गई। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा इसी बिंदु बी पर। सूत्र होगा m इंटू जी इंटू एच बी, जहाँ एच बी बिंदु बी की पृथ्वी तल से ऊंचाई है। एच बी का मान कितना होगा? ए से बी तक तय दूरी एक सेकेंड में। तो इसके लिए हम गति की दूसरी समीकरण काम में लेंगे, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि पिंड त्वरण के विरुद्ध गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति कर रहा है, तो g का मान माइनस में रखेंगे। तो इससे ए से बी तक की दूरी एस कितनी आ जाएगी? 4.9 मीटर। यही उस समय पिंड की पृथ्वी तल से ऊंचाई हो जाएगी। तो 4.9 मीटर का मान इस सूत्र में रख देंगे तो हमारे पास बिंदु बी पर स्थैतिक ऊर्जा का मान आ जाएगा, जो कि आ रहा है 960.4 जूल। तो बिंदु बी पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी? 0 प्लस 960.4 जूल। तो देखिए जो पिंड में ऊर्जा बिंदु ए पर थी वही कुल ऊर्जा पिंड में बिंदु बी पर है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 न्यूटन भार का एक पिंड है जिसपे 12 न्यूटन का एक खिंचाव बल लगाया जाता है। पिंड विरामावस्था छोड़कर 5 मीटर की दूरी तय करता है,
तो बताइए 5 मीटर दूरी तय करने के बाद पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और ये भी सिद्ध कीजिए कि ये गतिज ऊर्जा बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, तो एक तरह से हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम 5 मीटर की दूरी तय करने पर पिंड में गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा सूत्र होगा 1/2 mv², जहाँ v 5 मीटर की दूरी तय करने पर पिंड में कितना वेग है उसका मान है, m का मान कितना होगा, हमें भार दे रखा है तो इसे द्रव्यमान में बदल देंगे 9.8 से भाग देकर। अब v का मान हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें दूरी पता है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 पता है। तो हम गति की तीसरी समीकरण से v² = u² + 2as से v के मान की गणना करेंगे। तो v² = 0² + 2a × 5। लेकिन यहाँ a का मान भी नहीं पता है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम बल गति की समीकरण काम में लेंगे, F = ma। तो F का मान 12 न्यूटन है, M का मान जैसे मैंने आपको बताया 10/9.8 है। तो ये सभी मान हम इस सूत्र में रख कर गतिज ऊर्जा के मान की गणना कर लेंगे, जो कि 60 जूल आ रहा है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हम इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो कार्य का सूत्र है बल इंटू विस्थापन, यानी 12 × 5, 60 जूल। तो आपने देखा कि बल ने जितना कार्य किया वो समस्त कार्य इस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ला देता है। जब पिंड ने चलना प्रारंभ किया था, क्योंकि उस समय इसका वेग 0 था, तो यहाँ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 थी, और 5 मीटर बाद इसकी ऊर्जा 60 जूल हो गई। और आपने देखा 60 जूल ही वह कार्य है जो बल द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य और गतिज ऊर्जा समान है। एक विशेष बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हम 5 मीटर की दूरी तय करने में पृथ्वी तल से ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, इस कारण यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा में परिवर्तन को नहीं विचारा गया है। क्योंकि जब एक पिंड एक ही तल पर गति करता है, तो चूंकि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो स्थैतिक ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा की चर्चा की है। तो ये हमारा इस अध्याय का अंतिम भाग, ऊर्जा, जो आज हमने डिस्कस किया। हमने ऊर्जा को परिभाषित किया, ऊर्जा की इकाई देखी, संकेत देखे, ऊर्जा के प्रकार देखे, गतिज और स्थैतिक ऊर्जाओं की परिभाषा देखी। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार कार्य और ऊर्जा में संबंध है। हमने इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।